फैमिली नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरा पूरा यूट्यूब परिवार बहुत 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 अच्छा है, स्वस्थ है और मस्त है। आप सबके आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। तो यहाँ मेरा दाल जो है बिल्कुल बन के रेडी है। अभी इसमें हम तड़का लगाएंगे। अभी मैंने तड़का वगैरह कुछ नहीं लगाया है। और ये देखिए हमारे दाल का टेक्स्चर, और ये मेरी गोभी जो मैंने है फ्राई कर रखी है। यहाँ पे आलू बॉईल कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले तेल ले लिया, तेल में जीरा डाल दिया था, उसके बाद हमने प्याज डाल दिया। अब हम प्याज को थोड़ी देर फ्राई होने देंगे, ब्राउन होने देंगे। उसके बाद हम इसमें जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डालने वाले हैं। तो यहीं पे मैंने चावल भी चढ़ा दिया था। तो देखिए मेरा चावल का पानी जो है वो गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें जो है चावल डाल दिया। हम तसले का ही, मतलब गांव में ज़्यादातर तसले ही अवेलेबल होते हैं, तो हम उसी के चावल खाते हैं। तसले या पतीले का, हम कुकर वगैरह का चावल बहुत ही कम पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो प्याज है वो भी ब्राउन हो गए थे, तो अब मैं यहीं पे ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। हम इसको 2 मिनट फ्राई कर देंगे। अब हमें इसी स्टेज पे डाल देना है इसमें सारे मसाले, जो भी मसाले हम यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले ले लिया था लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद मैं डाल दूंगी हल्दी पाउडर, और उसके बाद धनिया पाउडर। जो भी हमारे घर में नॉर्मली मसाले अवेलेबल होते हैं हम वही डाला करते हैं। आप ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा धनिया सॉरी जीरा जो होता है वो पीस के डाल देंगे, तो इससे भी जो होता है हमारी सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा हम मैगी मसाला डाल दें तो वो भी बहुत अच्छा, उससे भी जो हमारी सब्ज़ी का स्वाद होता है वो दुगना हो जाता है। लेकिन मैंने फ़िलहाल तो ये सब नहीं यूज़ किया, जो हमारे घर के मसाले होते हैं मैंने यही नॉर्मली यूज़ किया है। तो यहाँ पे अब मैं टमाटर डाल दूँगी। तो मैंने 2 टमाटर लिए थे, क्योंकि सब्ज़ी मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना रही थी, तो इसी वजह से 2 टमाटर मैंने यहाँ पे लिए। टमाटर को हम काट लेंगे। मैंने ज़्यादा भी बारीक नहीं काटा और ज़्यादा भी बड़े बड़े नहीं काटे, मैंने मीडियम पीसेस में काट के अब मैं डाल दूँगी। अब हमने क्या करना है, इसको भी थोड़ी देर तक फ्राई होने देना है अच्छी तरीके से। जब हमारा टमाटर जो है थोड़ी देर तक फ्राई हो जाएगा, तो इसका जो तेल होगा वो ऊपर आ जाएगा, और सारे मसाले होंगे वो लाल हो जाएंगे, और टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाएगा, खुशबू भी आने लगेगी। तो इसी स्टेज पे हमें नमक डाल देना होता है। कभी भी आप किसी भी सब्ज़ी में अगर टमाटर ऐड करते हैं, तो उसके तुरंत बाद ही आप नमक ऐड करिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो टमाटर होता है उसे गलने में बहुत मदद मिलती है। तो यहाँ पे मेरा मसाला तो जो था बिल्कुल फ्राई हो गया था, तो मैंने यहीं पे अपने जो हरे वाले मटर थे ये डाल दिए थे। मटर थोड़े 2-3 दिन ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने ना इसको हल्का सा भाप लगा लिया था, ज़्यादा भी नहीं बस थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो मेरे गोभी फ्राई थे मैंने वो भी डाल लिया था। अब हमने क्या करना, इसको ना थोड़ी देर ढक के मैं अच्छे तरीके से पकाऊंगी, क्योंकि हमारे जो गोभी थे वो फ्राई थे, तो क्या पता वो बॉयल आलू है तो उसमें थोड़े से कच्चे रह जाए। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि गोभी हमारे कच्चे भी हैं तो नहीं पक गए थे, तो मैंने जो आलू है वो भी बॉईल करके रखा था तो मैंने छील लिया। हम अच्छे तरीके से उसको छील लेंगे। और क्या होता है कि हम कभी भी जो बॉईल करके सब्ज़ी बनाते हैं, अगर हम हाथ से मैश करके डालें तो वो ना छोटे छोटे से जो टुकड़े होते हैं ना, वो सब्ज़ी ना हमारी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो वो टेस्ट नहीं आ पाता। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं काट के डालूँगी चाकू से। हम बॉईल आलू को काट देंगे, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला था तो मैं अपना डाल दूँगी। तो इतने में ना मेरा जो चावल था वो भी हो गया था। तो अब मैं क्या करूँगी, चावल का जो हमारा पानी होता है मैं वो निकाल लूँगी, क्योंकि हम ना चावल का पानी निकाल के ही खाते हैं हम। जैसे कि चावल में जो पानी सूख जाता है वो वाले थोड़े से गीले टाइप के हो जाते हैं, वो नहीं खाते। कई लोग सूखे भी बनाते, लेकिन फिर भी हमारे घर में वो चावल कोई पसंद नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे जो चावल का माड़ होता है वो मैं निकाल लूँगी, और निकालने के बाद हम इसको नॉर्मली गाय को दे देते हैं। हमारे घर में गाय है, तो कोई भी खाना वगैरह बच जाता है तो उसको वेस्ट करने से अच्छा है आप किसी को दे दीजिए, वो खा लेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी है। और देखिए मैंने आलू, जैसा कि आपको बोला था कि मैंने काट के डालूँगी, तो मैंने यहाँ पे काट के ही डाला था।
और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल हो गई थी। और मैं इसमें तो इसको थोड़ा सा और गाढ़ा होने दूंगी, अभी थोड़ा सा पानी है तो ढक के 2 मिनट और पका लेते हैं। तो यहीं पे मेरा खाना वगैरह सब बन गया था, तो मैं आ गई थी कपड़े धोने, तो मैंने सोचा पहले एक काम करते कपड़े ना भिगो लेते हैं, इतने में कपड़े भीग जाएंगे, तब तक मैं और बाकी के काम कर लूँगी और बाद में नहाते वक्त कपड़े धो लूँगी। तो मैंने यहाँ पे बर्तन धो लिए थे और झाड़ू वगैरह ना मैं पहले से लगा के आ गई थी। तो और पीछे जो है पीछे वाले रूम में जिसमें चूल्हा, उसमें ना मैं गाय के लिए वो बना रही थी, गाय का जो खाना होता है ना दलिया जिसको कहते हैं, वो पीछे वाले में रूम में बन रहा था, तो इसीलिए वो लकड़ी वगैरह आप देख रहे होंगे रखा हुआ है। तो यहीं पे मैंने सोचा यहीं क्यों ना बर्तन धो लिया जाए, तो बर्तन वगैरह यहाँ पे धो लिए थे। अब मैं कपड़े धोने आ गई, और ये इतने कपड़े मैं धो चुकी थी लेकिन उसका वीडियो हमने जो है शूट नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं बाबू का वो है हमारा जो बिछाने वाले बिछौना जो होता है, तो मैं वो धो लूँगी अच्छी तरीके से। और कपड़ों में काफ़ी दिनों से क्या हो रहा था ना कि स्मेल सी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मतलब रोज़ कल करते करते इतने दिन हो गए थे, तो मैंने कहा आज धो ही देते हैं। तो इतने सारे कपड़े हो गए थे ना, इतने सारे हो गए थे, लग रहा था कि आधे गांव के कपड़े हमारे घर में आ गए। ये तो कुछ नहीं है, आधे से ज़्यादा तो टब में उधर की साइड रखे हुए हैं। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो मम्मी ने कहा काफ़ी लेट भी हो गया, मैं धुलवा देती हूँ। और यहीं पर ना हमारी टंकी भर गई, मम्मी कह रही थी कि लगता टंकी भर जाएगी, ज़्यादा देर में नहीं चलाती, लेकिन टंकी हमारी भर गई। तो मैंने टब लगा दिया था, ऊपर से पानी गिरा था उस टंकी में ही। तो अब यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह धुल गए, अब सिर्फ हमने क्या करना है, नहाना बाकी रह गया था, सारे कपड़े धो लिए थे। तो ये बड़ा वाला है, ये ना बहुत भारी था, मेरे से तो धुल ही नहीं रहा था, और मम्मी ने नहीं धोया, मम्मी झाड़ू लगा रहे थे, तो मैंने कहा चल मैं ही धो देती हूँ। तो मैं पानी हमारा सबमर्सिबल का चला के, और तो मैंने ना इसको धो लिया था। तो यहाँ पे आरव भी आ गया था, और आरव के पापा भी आ गए थे। आरव रो रहा था, रहता नहीं सबके पास, किसी के पास नहीं रहता वो, तो आ गया था। तो मैं इसको एक बार फिर से अच्छे तरीके से धो लूँगी। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह सब धुल गए थे, और मम्मी ने भी नहा लिया था और मैंने भी नहा लिया था। तो मम्मी अब चले गए थे छत पे कपड़े सुखाने, क्योंकि लेट काफ़ी हो गया था। तो मम्मी ने कहा जब तक मैं नीचे नहाती हूँ इतने में मम्मी कपड़े सुखा आएंगे। तो मैं नीचे ही थी और मम्मी आ गए थे ऊपर कपड़े सुखा। तो अब मम्मी नीचे जाएंगी, तो अब हम सब खाएंगे खाना, मैं मम्मी का वेट कर रही थी जब तक। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।